अकाउंटिंग रेशियो में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं 22 नंबर को ध्यान दीजिए। लिखता है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स रुपीज 32 लाख टू करंट लाइबिलिटीज रुपीज 20 लाख इज 1.6:1। यानी करंट एसेट्स दिया 32 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 20 लाख, रेशियो है 1.6:1। अब लिखता है अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट चाहता है ये रेशियो हो जाए 2:1। कैसे हो जाए? तो लिखता बाई पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, कुछ करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दो ताकि ये रेशियो हो जाए 2:1। तो करंट एसेट दिया है 32 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 20 लाख, कुछ करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है, तो लेट द करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड ऑफ बी एक्स। करंट लाइबिलिटीज को पे करना है तो मान लेते हैं x अमाउंट का पे करेंगे, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो जो मेंटेन करना वो लिखेंगे 2:1, करंट एसेट्स है 32 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 20 लाख। अब आपको लिख रहा है करंट लाइबिलिटीज पे करना है x अमाउंट का, तो 20 लाख से ही घट जाएगा x अमाउंट, ठीक है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज का हम लोग पे कर देंगे x अमाउंट, लेकिन करंट लाइबिलिटीज को जो पे करेंगे वो क्या चीज से पे करेंगे? तो करंट लाइबिलिटीज को पे करेंगे कैश से, तो कैश घटेगा यानी करंट एसेट्स भी घटेगा, तो जब करंट लाइबिलिटीज एक्स अमाउंट से घटेगा तो करंट एसेट्स भी एक्स अमाउंट से घट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स आ गया हम लोग का 8 लाख, तो करंट लाइबिलिटीज हम लोग पे ऑफ करेंगे 8 लाख का। अब देखो अगर इसमें से 8 लाख घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 लाख और ये हो जाएगा 24 लाख, तो 24 लाख बाई 12 लाख यानी कि 2:1, तो ये आ जाएगा 2:1 जब हम लोग 8 लाख का पेमेंट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखता है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स रुपीज 5 लाख टू करंट लाइबिलिटीज इज 2.5:1। यानी करंट एसेट्स दिया, करंट रेशियो दिया, करंट लाइबिलिटीज आपको नहीं बताया। फिर लिखता था अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। यानी अकाउंटेंट चाहता है ये रेशियो हो जाए 2:1। कैसे हो जाए? तो कुछ करंट एसेट्स खरीद के, वो भी उधार। तो करंट रेशियो दिया 2.5:1 और करंट एसेट्स है 5 लाख, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो दिया 2.5:1, करंट एसेट्स है 5 लाख, करंट लाइबिलिटी हम लोग को नहीं पता, तो सॉल्व करेंगे करंट लाइबिलिटीज निकल जाएगा, तो करंट लाइबिलिटीज आ गया 2 लाख। अब अकाउंटेंट चाहता है ये रेशियो हो जाए 2:1। कैसे हो जाए? तो बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, लेट द करंट एसेट्स टू बी एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट बी एक्स। करंट रेशियो जो मेंटेन करना वो लिखो, तो 2:1, करंट एसेट्स था 5 लाख, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। अब करंट एसेट्स खरीदेंगे एक्स अमाउंट का, और जितने का करंट एसेट्स खरीदेंगे उतने से आपका करंट लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग उधार खरीद रहे हैं, तो उधार खरीदेंगे तो उतने का क्रेडिटर भी बढ़ेगा। तो इसको सॉल्व किए तो करंट एसेट्स हम लोग को खरीदना पड़ेगा 1 लाख का, एक्स आया 1 लाख रुपया। देखो यहाँ 1 लाख बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 6 लाख और ये हो जाएगा 3 लाख, यहाँ आ जाएगा 2:1। अब एक खास बात इस क्वेश्चन में समझना, यहाँ आपको लिख दिया था कि जो मैनेजमेंट है या अकाउंटेंट है वो चाहता है कि रेशियो हो जाए 2:1। कभी कभी लिख देता है क्वेश्चन में कि अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड करंट रेशियो, 2:1 नहीं बता के लिख दिया स्टैंडर्ड करंट रेशियो, तो ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड करंट रेशियो होता है 2:1। स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो 1:1, स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो 2:1 एंड स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो 1:2, ये चार आप याद कर लीजिएगा।